गांव के विकास के लिए परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत जनपद के 34 गांवों का चयन किया गया है। परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत होने वाले विकास कार्यों में धांधली और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में CDO इंद्रजीत सिंह, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सर अभी एशिया बांसगांव में तो सर 100% हो गया है। बहरहाल समस्या तिवारी में 60 में से 43 हुआ है, अभी भी 12 काम पे तो TS का TS के भी सर बहुत फाइल पेंडिंग है सर, 125 फाइल पेंडिंग है। मतलब कोई देखता भी नहीं है फाइल, लगता है मुंशी पे छोड़ दिया, कोई मुंशी रखा है वहाँ पे? 21 दिन का नहीं करना, 7 दिन का करना है। इनको प्रतिकूल प्रवेश दे नहीं, अभी मैं दंडात्मक करूंगा, मैं अभी तो बृहद दंड शुरू कर दूंगा, मजाक नहीं है ये, प्रतिकूल प्रवेश से शुरू कर दूंगा और मूल वेतन पे कर दूंगा अभी। नहीं नहीं मैं अभी ये मजाक नहीं है, अभी आप लोग सुधरेंगे नहीं मुझे लगता है। टेंडर देखा तभी इनका वेतन आज, तो टेंडर का हो जाएगी तभी इनका वेतन आज। नेक्स्ट जहाँ जहाँ काम टेंडर हो गए हैं वहाँ मौके कोई आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला नहीं चाहिए कि आधा सेंटर का उल्लंघन है, ये सब कर ठीक है। हर एक गांव में गिर गया है सामान, गिर गया है कि वीडियो साहब गए थे वो बिजली का पुल लगना था और वो बनना था, तो कौन सा ब्लॉक है? बात ब्लॉक क्यों ऐसा कह रहे हैं?